मुनावर और एल्विश के बीच छिड़ी जंग। ट्विटर पर इन दोनों को लेकर चल रहा है बवाल। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में एल्विश यादव को देखा गया था। एल्विश यादव की गेम बिग बॉस के घर के अंदर खूब पसंद की गई थी और वो इस शो के विनर भी बने थे। वहीं अब बिग बॉस का नया सीजन भी चल रहा है, बिग बॉस 17, जिसके घर में मुनावर फारूकी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। मुनावर शो के अंदर अच्छा गेम खेल रहे हैं और उनकी भी खूब पॉपुलैरिटी हो रही है। उनके फैंस उन्हें खूब ट्रेंड भी करा रहे हैं। पर अभी बिग बॉस में मुनावर की जिंदगी में भूचाल मचा हुआ है और मुनावर की एक गर्लफ्रेंड बिग बॉस में आ गई है, जिसने डबल डेटिंग को लेकर मुनावर पे आरोप लगा दिया है। अब मुनावर और एल्विश के बीच में सोशल मीडिया पर जंग देखी जा रही है। एक तरफ जहां मुनावर के जो फैन बेस है वो एल्विश को ट्रोल कर रहे हैं और ड्रग एडिट करके एल्विश को लेकर ट्रेंड चलाया है, तो वहीं एल्विश की आर्मी ने भी मुनावर को लेकर वुमनाइजर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है। अब देखा जाए तो मुनावर फारूकी बिग बॉस के घर के अंदर एक्सपोज भी हुए हैं। बिग बॉस में मुनावर ने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने डबल डेट किया है। बिग बॉस के घर में आयशा खान ने एंट्री की और उन्होंने बताया कि मुनावर ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने नाजिला के साथ रिलेशनशिप में होते हुए मेरे साथ भी डबल डेट किया है। वहीं अब ट्विटर पर मुनावर को लेकर वुमनाइजर ट्रेंड कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुनावर का एक बच्चा है, बीबी है। उसके बाद जब बीवी से डिवोर्स हो जाता है तो मुनावर नाजिला को डेट करने लगते हैं और नाजिला के साथ डेटिंग के दौरान वो लॉकअप में जाते हैं। वहाँ अंजलि के साथ वो एक अलग ही गेम खेलते नज़र आते हैं और अंजलि को डेट करने लगते हैं। उसके बाद जब नाजिला के साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो आयशा को भी डेट करने लगते हैं। आयशा और नाजिला को डेट कर ही रहे थे और बिग बॉस में आते हैं और मनारा के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लेकर ट्विटर पर बोली जा रही है। कई सोशल मीडिया हैंडल्स इसे लेकर क्लेम कर रहा है और खुद मुनावर ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने जो भी किया था वो गलत था और इसके लिए वो आयशा से माफ़ी भी मांग चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एल्विश पर कई सारे आरोप भी लगे हैं और जो ड्रग्स एडिक्ट का आरोप मुनावर की जनता लगा रही है, वैसी कोई बात एल्विश को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई मुद्दा एल्विश को लेकर उठा है। जहां तक एल्विश की आर्मी की बात है और जो लड़कियों की बात है, उस पर मुनावर ने भी वुमनाइजर वाली चीज़ को लेकर कबूल किया कि उनसे डबल डेटिंग हुई है। पर एल्विश को लेकर ऐसा कोई भी मामला फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है और कंफर्म नहीं हुआ है। तो एल्विश पर जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। वहीं जो मुनावर पर आरोप लगे हैं उसे कहीं ना कहीं मुनावर ने भी शो के अंदर कबूल कर लिया है। विलाप इन दोनों के बीच जो छिड़ी जंग है उसमें किसके साथ है, क्या आपको भी लगता है कि मुनावर ने वाकई अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है, हमें कॉमेंट्स के जरिए ही ज़रूर बताएँ।